नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता ही है 16/17 का पेपर हुआ था, ठीक है। 14 तारीख को ईजी पेपर आया हुआ था, साइको भी ईजी थी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर कुछ एक दो क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो मैं कमेंट्स में लिख दूंगा या फिर आप भी बता सकते हैं। तो पहला देखिए, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था कि मिठाई को देखकर बच्चे ललचाते हैं, क्या है? संक्रामक क्रिया है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा है कि विलोम बताने हैं, मिलान करना है, तो इसके अनुसार इसका क्या रहेगा? सी जो है राइट आंसर रहेगा, 2, 1, 4, 3, ठीक है। फिर है कि एक आँख 10 आँखें होती हैं, तो एक मामा क्या होगा? 10 मामा के बराबर होगा, क्योंकि मामा का बहुवचन मामा ही रहता है, ठीक है। तो बी इसका राइट रहेगा। तो इनमें से बताना है कि कौन सा क्षण बंगार का पर्याय नहीं है, तो इसका क्या रहेगा? सी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको बताना है भूतकाल, ठीक है। तो ये सही मिलान करने हैं, तो इनका राइट आंसर क्या रहेगा? ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा भाई। फिर है पेट पुण्य मुहारे का मतलब क्या है? फूला न समाना, ए जो है राइट आंसर रहेगा। ठाकुर का ठुकराइन होता है, लाला का लालाइन होता है, तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा? ए जो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। राजा का रानी साला का डाउट है, तो इसका डी है, ठीक है, डी रहेगा। बताना है नेक्स्ट में कि बिजली बताइए किसका पर्यायवाची नहीं है, तो बिजली पर्यायवाची नहीं बताना है, तो डी इसका सलील का बिजली क्या है? पर्यायवाची नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा भाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भो प्लस अन का संधि रूप कीजिए, भवन हो जाएगा, ठीक है। फिर चावल का दाम काफ़ी बढ़ गया है, तो चावल क्या है? संज्ञा है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। वधु शब्द का तद्भव है, बहु जो है वधु शब्द का तद्भव हो जाएगा। तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? कुछ जो है क्रिया विशेषण है। कर्तगण शब्द का अर्थ है उपकार को न मानने वाला, ए हो जाएगा। मैं जाती हूँ यह वाक्य काल है, वर्तमान काल हो जाएगा। गहरा शब्द का जो विलोम है वह बताइए क्या है? 76 में का क्या हो जाएगा? छिछिला जो है, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गहरा का विलोम, ठीक है। फिर ये समास मिलाने हैं, तो इसमें समास के अनुसार कौन सा राइट हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। फिर है इनमें से कौन सा शब्द कर्षण का विलोम है? सवेत जो है कर्षण का विलोम हो जाएगा। ये आपको फिर मिलाने हैं, तो देखते हैं इनमें से कौन सा रहेगा। बांडा फोड़ने का मतलब है भेद खोलना, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर है दांत के दूध के दांत टूटना, मतलब कि अनुभवहीन होना, ठीक है, ये हो जाएगा। लोहा मनाना, लोहा मानना, तो लोहा मानने का मतलब हो जाएगा असंभव कार्य करना, ठीक है, ये हो जाएगा। और हथेली पर सरसों जमाना, मतलब कि प्रभाव स्वीकार करना, तो ये इसके मिलान हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है कल कोई आया था, इसका सरोनाम है, कोई इसका सरोनाम है। तो इस प्रकार से ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो मैथ की और रीजनिंग की भी डाल दी। अगर किसी बच्चे को किसी में डाउट लगता है या कुछ बदलाव होता है तो मैं कमेंट्स में लिख दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।